सिर्फ 16 साल का था कि जब अजमेर की गलियों में आजादी के हक में नारे लगाता फिरता था। बंटवारे के बाद वो हिजरत करके कराची चला आया और पहली रात फुटपाथ पर सोकर गुजारी। और शायद यही वो लम्हा था कि जब नेमतुल्ला खान एडवोकेट को इस शहर से मोहब्बत हो गई। सन 2001 में जब इस बारिश उजुर को शहर कराची थमाया गया तो कैफियत क्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज का निजाम दरहम बरहम है, सरकारी तालीमी इदारों से लोगों ने लोहे की ग्रिले तक उखाड़ कर बेच खाई है। ऐसे वक्त में कोई और आदमी होता तो यार हाथ पैर झाड़ के या तो साइड पे हो जाता है, 5 साल आय बाय करके गुजारता और घर चला जाता। लेकिन इसने फैसला किया कि नहीं, बैठूंगा नहीं, कराची की खदमत करूंगा। हुआ क्या, जहालत के अंधेरे मिटाने के लिए जहां सरकारी स्कूलों पर काम किया गया वही महसूस हुआ कि कराची की आबादी बढ़ चुकी है लिहाजा नए कॉलेजेस की जरूरत होगी। महज 5 साल की कलील मुद्दत और उसमें बनाए जाने वाले कॉलेजेस की तादाद 32। जी हां, 32 नए सरकारी कॉलेजेस बनाए गए जो आज भी काम कर रहे हैं और कराची का बच्चा आज भी वहां पढ़ रहा है। दूसरी जानब आ जाए, बेहंगम ट्रैफिक है। मामला क्या है कि आधे घंटे का सफर 1 घंटे में होता है। फैसला किया एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोडों का जाल बिछाऊंगा, बिछाया गया। जहां फ्लाईओवर्स की जरूरत थी, कितने नए फ्लाईओवर बनाए, महज 5 साल के अंदर 18 नए फ्लाईओवर्स बनाए गए। कराची नावाकिफ था अंडरपासेस के नाम से। सबसे पहला अंडरपास शहर के अंदर किसने बनाया, नेमतुल्ला खान ने, और एक नहीं बल्कि 6 अंडरपास बनाए। दूसरी जानिब आ जाए, अंडरपास के साथ साथ 2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते मुतारिफ करवाए। ये जो टाइमर लगे हुए होते हैं सिग्नल्स के ऊपर, लोग बेचैनी में रहते थे ना कितनी देर में खुलेगा, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला कौन था, नेमतुल्ला खान साहब। तीसरी जानिब आ जाए, कराची वाले किस में सफर करते थे, F-18 W-11 आज भी उसी में कर रहे हो। ग्रीन लाइन बनाने आई थी गवर्नमेंट, आज 5-7 साल गुजर गए, मुकम्मल ही नहीं होके दे दी। 5 साल की कलील मुद्दत के अंदर जहां ये आदमी इतने सारे काम कर रहा था वहीं इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्वीडन से ग्रीन बसेस इंपोर्ट की और उन ग्रीन बसेस के जरिए निहायत चीप रेट पर एयर कंडीशन सर्विस फराहम की कराची के बसने वालों को। और आगे की जानिब बढ़े, कराची के अंदर आज बड़ा पानी का इशू है, सब जो है वो केन लेकर इधर से उधर भागते फिरते हैं, मैं भी भागता हूं आप भी भागते हैं। इस इंसान ने उस वक्त इस मसले को भांप लिया था कि 3 पानी का मंसूबा शुरू किया, मुकम्मल किया, जिससे लाखों गैलन पानी कराची को मिलने लगा। इन्होंने कहा यह भी नाकाफी होगा, K4 बनाया जाए। K4 की फिजिबिलिटी तैयार की गई, बदकिस्मती से दौरे निजामत मुकम्मल हो गया, 2005 से लेकर 2020 आ जाए, 15 साल गुजर गए, किसी ने, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी एक ने भी उस मंसूबे के ऊपर एक ईंट तक रखने की कोशिश नहीं की। कराची के अंदर जो तफरी के मराकज थे कम थे, जाहिर सी बात है गरीबों का शहर था, एक सीव्यू था, दूसरा जो है वो कायदा दम का मजाक था, तीसरा जू था। इन्होंने कहा कि जहां छोटे छोटे पार्क बनाए जा रहे हैं वहीं हर टाउन एक मॉडल पार्क बनाएगा। 18 ऐसे मॉडल पार्क बनाए गए कि जिनकी नजीर इस शहर के अंदर नहीं मिलती। फिर जहां ये सारी तामीरात थी वहीं इन्होंने कहा कि जहनी नशोनुमा भी होनी चाहिए, लोगों को दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो मेले हैं वो भी फराहम करने चाहिए। क्या किया, फ्लावर शो लगा दिए, क्या किया, मेले मुनक्किद कर दिए, क्या किया, आजादी फेस्टिवल करवा दिया, तकरीरी मुकाबले करवाए, नातिया मुकाबले करवाए। मैं खुद सिविक सेंटर के अंदर, मैं स्कूल में पढ़ता था, सिविक सेंटर के अंदर इनके दौरे निजामत में होने वाले तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा हूं। और इसके साथ साथ इन्होंने कराची में जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या था, एक कार्डियो हॉस्पिटल था जहां पूरा शहर उमट कर आया करता था। इन्होंने उस चीज को भागते हुए 16 नंबर का जो अस्पताल है जिसे छोटा कार्डियो कहा जाता है, जहां और हम अपने बुजुर्गों को ले जाकर इलाज करवाते हैं, वो अस्पताल बनाने की कर्जदार मंजूर करना, उसका संगे बुनियाद रखना या June 2005 में उसे अस्पताल करना, ये तीनों काम नेमतुल्ला खान साहब ने किए। और इसके साथ साथ इन्होंने उसके अंदर निहायत चीप रेट पूरे पाकिस्तान के सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी अस्पताल हो जिनमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ये जो प्राइस थे, जो फीस थी, उससे भी कम फीस इन्होंने उसमें रखवाई और लोगों की खिदमत के सफर को जो है वो इस तरह जारी रखा। अब आ जाइए दूसरी जानिब, जब इनका दौरे निजामत मुकम्मल हुआ, 70-75 साल उम्र थी, जाते घर पे बैठ जाते भाई, लाठी लेकर चलते थे, जिस्म तकादा कर रहा था आराम का, लेकिन इन्होंने कहा घर पे नहीं बैठूंगा, खिदमत करूंगा। एक फलाही तंजीम के सरबरा बने, सैलाब आया, खुदा की कसम ये आदमी घुटनों घुटनों पानी में जाकर लोगों की मदद कर रहा था। जलजला आया, ये लोगों के दरमियान खड़ा हुआ था। कहने को तो कोई कह सकता है ना कि इसने लाखों करोड़ों रुपए बना लिए होंगे, लेकिन इस आदमी ने बिला मुआवजा ये सारी खिदमत की है। इसकी दयानत का आलम ये था कि तारिक रोड के ऊपर ये चंदा जमा कर रहे थे, झोली फंड जमा कर रहे थे जलजला मुतासरीन के लिए। एक लड़की सामने आई, उसने अपना सारा गोल्ड का जेवर उतारकर इनकी झोली के अंदर डाल दिया। बल्कि ये तो आम लोग हैं, इनके मुखालफिन इनके बारे में क्या राय रखते हैं, इनकी दयानत के बारे में, इनकी कारकर्दगी के बारे में, जरा ये भी देख लीजिए। नेमतुल्ला साहब खानदानी आदमी है, बेहतरीन आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने K3 का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। मुस्तफा कमाल जो क्रेडिट लेते हैं, सारा नेमतुल्ला खान ने किया था भाई काम, जिस पर आपने फीते काटे। तरीकेकार था उनका काम करने का, उससे हमने सीखा है, और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कराची शहर के लिए उनका।
ये थे खिदमत और दयानत की पहचान नमत उल्ला खान, जो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी सैल्यूट यू एंड वी विल मिस यू सर।